नमस्ते, आज हम लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो फैट लॉक मशीन का। ये देखिए फ्रेंड, मॉडल नंबर देख लीजिएगा आप एक बार, और मशीन का नाम भी देख लीजिएगा आप। ये मशीन में क्या दिक्कत है फ्रेंड, स्किप स्टिच आ रहा है। इसका लगता है कि बेल्ट टाइमिंग आउट हो गया है। जितना भी टाइमिंग करो आप लूपर का, तो वो स्किप स्टिच अवॉइड नहीं हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड, इसका स्किप स्टिचिंग ओके। तो चलिए फ्रेंड, अभी इसको हम लोग डायग्नोस करते हैं। तो ओपन करिए, तो आइए फ्रेंड अभी हम देख लेंगे बेल्ट टाइमिंग का। लाइट ऑन करो। ये देखिए फ्रेंड, इसमें स्क्रू नहीं है और इधर भी स्क्रू नहीं है। किसी ने निकाल के लूज करके छोड़ दिया दिखता है। ये अभी नहीं मिल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, पिकासस में इधर मार्क दिया रहता है, ये मशीन में चाइना मशीन में कोई मार्क नहीं है। तो हम इसको कैसे, हम बोलेंगे कि इसका टाइमिंग कैसे हम लूपर का देख के और नीडल बार टाइमिंग देख के रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम नीडल प्लेट पूरा खोल के आपको टाइमिंग बता देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम देखेंगे इसका फर्स्ट स्टेप। पहले तो आप ये नीडल बार खोलने से पहले आप नीडल प्लेट का, नीडल होल का सेंटर पोजिशन पहले चेक कर लीजिएगा फ्रेंड। ये देखिए, पहले ही मैं चेक कर ले रहा हूँ। उसके बाद हम नीडल हाइट पोजीशन का चेक कर लेंगे और उसके बाद बेल्ट टाइमिंग एंड लूपर टाइमिंग चेक करेंगे फ्रेंड। स्टेप टू, पहले हम इसका नीडल बार का हाइट पोजीशन सेट कर लेंगे। ये 7 mm आना चाहिए फ्रेंड। जैसे आप देख सकते हैं, मैं एक टेप काट के बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी हम ये नीडल प्लेट का बेस प्लेट ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे इसका टाइमिंग। तो आपको दिखाने के लिए मैं फीडबैक भी ओपन कर लूँगा फ्रेंड। फ्रंट बैक दोनों फीडबैक को स्क्रू लूज करके मैं बाहर ले लूँगा, उसके बाद आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो ये देखिए फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं लूपर टाइमिंग, बेल्ट टाइमिंग कितना एडवांस हो गया है। देखिए, बहुत फास्ट जा रहा है हमारे देसी भाषा में। तो ये नीडल का आई और लूपर का आई को कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए, जैसे नीचे उतरता है कितना ऊपर है। देखिए फ्रेंड, आई टू आई कैच होना चाहिए। हमारे देसी भाषा में नीडल का होल और लूपर का जो होल है वो मैच होना चाहिए। तो हम अभी ये जो एलंकी का स्क्रू है 3 mm का, वो लूज करके अभी हमको दिखाएंगे आपको कि बेल्ट टाइमिंग लूपर का कैसे किया जाता है। और ये जो मशीन में, चाइनीज मशीन में कोई मार्क भी नहीं है फ्रेंड, तो इसके वजह से हमको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत होएगा, लेकिन आपको इसके अलावा और कोई प्रोसेसिंग नहीं है फ्रेंड। थोड़ा थोड़ा करके आप चेक कर लीजिएगा आप, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये एलंकी का स्क्रू मैं लूज करने के बाद ये मेन शाफ्ट का जो रॉड रहता है शाफ्ट, उसको मैं थोड़ा सा हल्का हल्का मूव करूँगा, फास्ट या स्लो करके देखूँगा ये किस जगह पे हमारा टाइमिंग बैठता है। तो उस जगह पे मैं ये स्क्रू टाइट कर लूँगा। तो उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि टाइमिंग कैसा हम लोग किए करने का। ये देखिए फ्रेंड, अभी मैंने बेल्ट टाइमिंग का, लूपर का
टाइमिंग कर लिया है तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए फ्रेंड, आई टू आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, ऑल टू ऑल मैच हो रहा है। देखिए फर्स्ट वाले में भी हो रहा है, सेकंड वाले में भी हो रहा है, और ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए और ये देखिए, यही इसका बेल्ट टाइमिंग लूपर का होता है। ये देखिए फ्रेंड, अभी आई टू आई कैच हो रहा है, तो हम लूपर का गैप भी आपको बता देंगे टेप रख के कितना रहना चाहिए। मैं 3.5 mm रख सकता हूँ, कभी कभी 4 mm भी रख सकता है और 3 mm भी रख सकता है, जैसे आपका कपड़े के हिसाब से और थ्रेड के हिसाब से कितना रिलीज होता है वो देख के आप रख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड, लास्ट टाइमिंग लूपर नीडल गार्ड एंड लूपर गार्ड का, ये भी ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि थिकनेस जब भी आता है तो लूपर गार्ड और नीडल गार्ड, यही हमको स्किप टिच आने से बचाता है और नीडल ब्रेकेज होने से भी बचाता है। ये निट्स का जो मशीन है इसमें हम 11 साइज या 9 साइज का नीडल यूज़ करते हैं तो आसानी से बेंड हो जाता है, इसीलिए नीडल गार्ड और लूपर गार्ड का ये जो सेटिंग है रखने का बहुत ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड, मैं 0.1 mm तक रखा हूँ, आप भी इसी तरह के रख लीजिएगा तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो हम अभी आपको टिचिंग करके भी बता देंगे। तो अभी देखिए फ्रेंड, पूरा प्रोसेसिंग हो गया है, थ्रेड डाल के हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अभी स्किप टिच नहीं आ रहा है, तो अभी आपको हम बता देंगे तो पहले का कैसा आ रहा था। ये देखिए, यही तरह का प्रॉब्लम आ रहा था तो इसको हमने डायग्नोज किया है। तो फ्रेंड, अभी आपने देखा कि हमने ये मशीन टाइमिंग और लूपर टाइमिंग और नीडल बार टाइमिंग आपको बता के दिया है। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब भी वीडियो बनाओ तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए फ्रेंड, प्लीज़ फ्रेंड। ओके, बाय।